आई है, डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है, हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते है। आदरणीय अस्सलाम वालेकुम, मैं फरमान हैदर चैनल टू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। आज हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है जैसा आज हुआ है, पहले भी हुआ होगा और होता है, मगर आज जैसा हुआ है वो इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइम में ऐसा होना एक सबको झंझोड़ के रख देता है। कल मनीषा वाल्मीकि का जो था उसकी डेथ हो गई थी, उसका 14 तारीख को चार ठाकुरों ने मिलके एक दलित महिला का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी जीभ काट दी, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसकी मतलब उसको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए थे। फिर उसका मैं कल आपको बता चुका हूँ सारी बात कि अलीगढ़ में उसका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद उसे सफदरजंग ले आए थे। कल उसका देहांत हो गया था, देहांत कल सुबह 5 बजे हो गया था, मगर वहां पर बॉडी के ऊपर लोग वो मैं रोज था बॉडी लेना चाह रहे थे, मगर बॉडी वहां पर पुलिस वालों ने और उन्होंने नहीं दी। कल दिन में सफदरजंग हॉस्पिटल पर भी बड़े बड़े ऑफिसर पुलिस के आते रहे और व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे काफी उनके वीडियोस आ रहे हैं, भीम आर्मी के लोगों ने डाले और सब किए उनके उनके वो भी कोई सही करके किसी पब्लिक से या जो जो उसमें लोग उनकी उसकी बॉडी के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे कोई सही करके बात नहीं। इसमें उसका भाई भी वहीं पर था, उसकी माँ भी वहीं थी, उसका भाई बाप भी वहीं था। किसी से बिना पूछे बॉडी चुपके से निकाल के ले जाती है यूपी पुलिस और उसे ले जाकर रात को 12 बजे हाथरस पहुंच जाती है। वहां पर बॉडी किसी को नहीं देती पुलिस और देने के बाद वहां पर अगर कोई सवाल भी पूछता है तो हमारे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, किसी पत्रकार ने वो उनसे जब सवाल पूछने चाहे तो उन्होंने सिर्फ जवाब ये दिया कि डीएम साहब से बात की, डीएम साहब से बात। ये मतलब हमारे देश का ऐसा माहौल क्यों हो रहा है, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं लोग? ये देखिए लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, और मैं तो उन ऑफिसरों को कहूंगा जो जो दलित समाज से आते हैं उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए, जितने आईएएस ऑफिसर हैं या जितने भी वो लोग हैं वो क्यों नहीं खड़े होते? उनकी बहन उनके अकल को उनकी बेटी के साथ होगा तभी खड़े होंगे क्या? बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज की लड़की है ये, उसकी बच्ची है ये, उस तो उसका कोई सुनवाई नहीं होने की। अगर कोई गरीब होगा तो उसको कोई पूछेगा नहीं, उसके बाद कोई टॉर्चर कर लेगा, पुलिस सही करके उसका जवाब भी नहीं देगी। कल ऐसी हरकत हुई है वहां पर के बॉडी 12 बजे ले गए और वो कह रहा है लाइन ऑर्डर मैं मेंटेन करने के लिए खड़ा हूं, पुलिस वाला ये बता रहा है वहां के, वो मैं सब इंस्पेक्टर हूं, मेरी जिम्मेदारी से भी है कि मैं आपको बॉडी तक नहीं आने दूं। ये नहीं बता रहा कि बॉडी जल रही है क्या, वो पूछ रहा पत्रकार कि क्या जल रहा है सर, ये क्या जल रहा है, ये क्या चीज है, वो बताने को तैयार नहीं है और सामने दिख रही कि चिता जल रही, मगर पुलिस वाले अपने मुंह से कहने को तैयार नहीं है। मतलब इतने बेबस हैं पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मैं यूपी में है, मैं इतना बोल नहीं सकता, मतलब इतना प्रेशर उन लोगों के ऊपर है कि वो आवाज आवाम को बता भी नहीं सकते कि क्या चीज हो रही। 2 बजे उसका रात को 2 बजे के बाद उसका अंतिम संस्कार किया, उसके घर वाले वहां पे जो उसके परिवार के लोग थे वो लोग वहां रो रहे हैं कि हमें हल्दी करने दो। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं जैसे डेड बॉडी को कर किया जाता है उसका अंतिम संस्कार, उसके मेहंदी लगाया हल्दी लगाई जाती कुछ लगाई जाती, वो कुछ नहीं करने दिए। ऐसा तानाशाही हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि मोदी जी क्या हो रहा है आपके देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने दिया था, आप दलितों को कहते हैं हम सबको साथ सबका साथ सबका विकास, यहां पे किसी का विकास नहीं हो रहा इस वक्त। आज आवाम में काफी गुस्सा है और नहीं है तो होना चाहिए, किसी की बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, वो भी बॉडी मरी हुई बॉडी के साथ। हमारे यहाँ एक मरने के बाद बहुत सम्मान के साथ उस बॉडी को वो किया जाता है कि कहीं किसी को कोई उसके अजियत ना पहुंचे, कोई उसको कहीं परेशानी ना है, और यहाँ जो आवाज उठा रहा है उसको आप बंद कर रहे हैं।
रात भीम आर्मी के जो वो चंद्रशेखर रावण है उन्हें पुलिस ने उठा लिया, उठा के उन्हें पता नहीं कहाँ ले गए, अभी ये भी नहीं पता कहाँ पे ले गए, कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा में। कल पीएन पुनिया जी पहुंचे वहां पे तो उन्हें उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मतलब अपनी आवाज कोई बुलंद करेगा ही नहीं, बुलंद करोगे तो तुम भी बंद जाओ, बंद हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा देखिए हर किसी के घर में बेटी है और कुछ भी हो सकता है कहीं भी। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है हमें। हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके किस तरफ को देश को लेके जा रहे हैं। देश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लोग अपनी आवाज डरे बैठे हैं, लोग कुछ आवाजें नहीं निकाल रहे हैं और यही सरकार चाहती है कि लोग डरे रहे। अगर हम सब डरे रहे तो आज जो हमारे साथ, आज जो ये मनीषा के साथ हुआ, कल को किसी के भी साथ हो जाए। उन चार लड़कों को बचाने के लिए पुलिस ने मतलब बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया, सब कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं है। बॉडी बच्चों को मतलब उनके घर वालों को बॉडी तक नहीं देखने दी, गांव के लोगों को बॉडी देखने नहीं दी, जहां पे अंतिम संस्कार हुआ वहां तक जाने नहीं दिया। वो कह रहा है कि मैं आपको रोक रहा हूं यहां पे, लाइन ऑर्डर की वजह से मुझे भेजा गया यहां पे, मैं आपको बॉडी तक नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब हो क्या रहा है देश में, देश के हालात, देश को कहां लेके जाना चाह रहे हैं। इससे हमारे देश की अलावा बदनामी के पूरी दुनिया में कुछ नहीं होगा। टाइम्स नाउ में दादी का नाम आना को बड़ी अच्छाई वाली वो नहीं है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि दादी का नाम आया तो उन्होंने एक संगठन वो जो खड़ा किया था तो उसकी वजह से आया। हमारे देश के अंदर के हालात इतने खराब हैं कि कोई भी आदमी धरना प्रदर्शन में मजबूर हो जाता है। 85 साल की औरत धरना प्रदर्शन में मजबूर हुई है और उसको पूरी दुनिया में टॉप 100 लोगों में उनको उसका वो मिला है, दादी को उनकी पॉपुलरिटी के ऊपर। तो यानी हमारे यहां देश की छोटी छोटी चीजों पे पूरी दुनिया की नजर रहती है। क्या इस कांड से पूरे हिंदुस्तान का नाम बहुत अच्छी तरीके से जाना जाएगा क्या? ये छोटी छोटी वीडियोस जो है पूरी दुनिया में देखते हैं लोग, जब पूरी दुनिया में हमारे देश की ये हरकतें देखी जाएंगी कि एक दलित मतलब हिंदू तो है, मुसलमान नहीं, चलो हिंदू मुस्लिम चल रही है, चलाओ मुसलमान तो 25% जो भी है वो है, मुसलमान के कोई वो ही नहीं है, मगर ये तो हिंदू है, इनके साथ भी कोई व्यवहार, तो मतलब आप चाह क्या रहे हैं? आप अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो समझ में आता, आप तो समाज को हिंदू समाज को भी तोड़ रहे हो। या ये कहिए कि आप दलितों को मुसलमान हिंदू नहीं मानते? भाई किसी को तो देश में सम्मानजनक स्थिति में रहना पड़ेगा ना। चलो हिंदू को रखो, मुसलमान तो नहीं मानते, आप मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ आप जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, मगर कम से कम हिंदुओं के तो हिंदू रहो। आप हिंदुओं के साथ भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बच्चियों की अंतिम संस्कार उनके माँ बाप के सामने नहीं होने दे रहे। इस वक्त जागो समाज के लोग, जागो, देखिए देश को वो काम दो, वो करो जो देश की, हमारे देश की तरक्की हो। हमारे देश में हम नौजवान लोग एक लाइन पे आए, हम अपने देश की जो हालात हैं उनको सुधारें, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है और हमारे देश के युवा अगर सही करके सड़कों पर आ गए तो कोई सरकार कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ बदल जाता। और सरकार बदलेगी फिर सरकार आएगी, तो अब के जो सरकार आए वो ऐसी सरकार आए जो सबको समान लेके चले। ये नारे ना हो सिर्फ कि सबका साथ सबका विकास, कोई विकास किसी का नहीं हो रहा, मोदी जी आपका ही विकास हो रहा सिर्फ, और उन 5-10 फैमिलियों का जो हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसमैन है, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा। आज जो देश में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा और जो पुलिस की इसमें कारकर्दगी है वो बहुत दंडनीय है, नंदनीय है। हमें ये समझना चाहिए कि पहले हम इंसान हैं, देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है, देश का माहौल खराब करना हमारा फर्ज नहीं है। हम जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं वो देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की लेते हैं, ना कि देश को तोड़ने की लेते हैं। कुछ सरकारी तंत्र को आप इतना मजबूत वो करके आप अपनी जो आपकी जो छवि है
तो हिंदुस्तान में पुलिस की जो छवि है, जो फोर्स की छवि है, आप उसे खराब करवा रहे हो। मैं तमाम उन ऑफिसर्स से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो अपना जो उनका अपना जमीर अंदर से गवारा करे, वो करे। सरकार तो आती जाती रहती है, आप लोग जो बने हो आप बने रहोगे, ज्यादा ज्यादा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको हटा नहीं सकते ये लोग। तो जागो, मेन आपका जागना है। अगर आप जाग गए, आपने कुछ अच्छा कर दिया, तो अवाम का कुवत बढ़ेगी, अवाम खुद ब खुद आपके साथ आएगा। आप चंद नेताओं के साथ आके ऐसे ऐसे हरकतें करा रहे हैं जिससे कि पूरा देश बर्बाद हो रहा, पूरे देश में एक दहशत का माहौल हो रहा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।